ये भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आला कोर्ट से देखते ही देखते यह बलिया कोर्ट में इस मामले को देखने की कोशिश की जा रही है। जो आज के दिन पवन सिंह को कोर्ट में पेश होना था, जिसमें पवन सिंह कोर्ट में पेश हुए, दूसरी ज्योति सिंह भी अपने वकील के साथ कोर्ट में आई। हालांकि आप सभी को बता दें कि ज्योति सिंह की तरफ से बलिया में पवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें ज्योति सिंह ने पवन सिंह से मेंटेनेंस की मांग की है और प्रति माह लगभग 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है ज्योति सिंह की तरफ से। हालांकि आप सभी को जानकारी होगी कि ज्योति सिंह की तरफ से तकरीबन 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी आरा कोर्ट में, लेकिन बलिया कोर्ट में इस राशि को बढ़ा के 5 लाख रुपए की ज्योति सिंह मांग कर रही है। यानी पवन सिंह से हर महीने 5 लाख रुपए की भरण पोषण की डिमांड उनकी पत्नी ज्योति सिंह कर रही है। और इन्हीं मामलों को लेके आज सुनवाई थी कोर्ट में, जिसमें बलिया के कोर्ट में पावर शेयर पवन सिंह हजारों सुरक्षा कर्मियों के बीच कोर्ट में पेश हुए। हालांकि आरा कोर्ट के बाद ये मामला थोड़ा सा शांत दिख रहा था, लेकिन बलिया कोर्ट में ये साफ हो गया है कि शायद पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक जल्दी हो सकता है। वैसे आप सभी की क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या रिएक्शन इस वीडियो में। फिलहाल नहीं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।